बिल्कुल विभा, एक तरफ जहां मतदान जारी है तो दूसरी तरफ अपराधियों का तांडव भी देखने को मिल रहा है। अभिनेत्री अक्षरा सिंह को धमकी मिली है, अभिनेत्री अक्षरा सिंह से रंगदारी मारी गई, अक्षरा सिंह से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। दो दिन में पैसे नहीं देने पर हत्या की धमकी दी गई, रंगदारी मांगने वालों ने गाली गलौज भी की है। अक्षरा सिंह के मोबाइल पर 11 नवंबर को फोन आया, रात के 2 बजे ये फोन आया है और धमकी भरा कॉल आया है। तो 50 लाख रुपए देने के लिए 2 दिन का समय दिया गया अपराधियों की तरफ से, समय पर रंगदारी नहीं देने पर हत्या की धमकी दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, क्या इसे लेकर के अक्षरा सिंह ने शिकायत दर्ज की है? देखिए, अक्षरा सिंह दानापुर थाना क्षेत्र में विजय सिंह यादव पथ में रहती हैं जी, और 11 तारीख को इनको फोन कॉल आया था और 1 मिनट के अंदर 2 बार फोन कॉल आया और इन्हें गाली गलौज किया गया, 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई 12:20 पर और 12:21 पर। और सबसे बड़ी बात है कि यह कहा गया कि अगर आप रंगदारी की रकम नहीं देंगी तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। इसके बाद अक्षरा सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है, FIR लॉन्च कर दिया गया है दानापुर थाने में। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है पूरे मामले को। निश्चित तौर पर एक बड़ी वारदात है ये, चूंकि आपको पता होगा कि कल शाम में ही राजधानी पटना में 2 युवकों को एक साथ गोली मार दी गई थी। उसके बाद इस तरीके से जो कंकड़बाग में कनिष्क का शोरूम है वहां पर लूट की बड़ी वारदात हो गई। अब अक्षरा सिंह को धमकी दी जा रही है, 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की जा रही है। पहला मौका है जब अक्षरा सिंह को इस तरीके से फोन कर धमकी दी जाती है और 50 लाख रुपए रंगदारी की मांग की जाती है। बहरहाल इस पूरे मामले की जांच पटना पुलिस ने शुरू कर दी है। जो फोन कॉल आया था उसका डिटेल्स खंगाला जा रहा है और पुलिस का दावा है कि जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। जी बिल्कुल संजय, और ये देखिए इन दिनों देखा भी जा रहा है कि लगातार धमकी भरा कॉल आ रहा है एक्टर एक्ट्रेस को, और अक्षरा सिंह को भी धमकी भरा कॉल आया है। ऐसे में क्या कोई जानकारी मिल पा रही है, अक्षरा सिंह ने क्या कोई उम्मीद जताई है, किसी पे उन्हें उनको कोई शक है? देखिए, उन्होंने आवेदन लिख कर दिया है, जो फोन जिस नंबर से कॉल आया था उस नंबर के बारे में डिटेल्स भी उन्होंने दिया है, और फिलहाल पटना पुलिस ने जो ये नंबर है उसको डिस्क्लोज नहीं किया है, जो कि इन्वेस्टिगेट कर रही है पटना पुलिस पूरे मामले की। तो उस नंबर का खुलासा पटना पुलिस ने नहीं किया है और फिलहाल जांच चल रही है, देखना होगा जांच के बाद कैसे पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर